संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधा और उनके लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसका पूरे देश भर में जमकर विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया ये जानती है, जो देश अपने लोगों को खाने के लिए दाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, वो परमाणु बम दागने की बात कर रहा है। दरअसल बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान की एक और मंत्री ने भारत पर परमाणु बम दागने जैसी बचकानी बात कह डाली। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा, भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हम परमाणु संपन्न देश है। भारत को ये याद रखना चाहिए, अगर विश्व स्तर पर बार बार भारत हम पर उंगली उठाएगा तो हम चुप रहने वाले नहीं है। भारत को जवाब देना हम जानते हैं। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवस्सुत से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए उल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। विश्व स्तर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को डिस्क्लोज करने का काम हमेशा से भारत करता आ रहा है। शायद यही वजह है कि पड़ोसी मुल्क को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के समर्थन में शाजिया मर्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम का जिक्र ऐसे समय में किया है जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने विश्व मंच पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई और आतंकवाद पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया और उसे याद दिलाया कि अब दुनिया 9/11 या 26/11 हमले होते देख नहीं सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर ये कहते हुए निशाना साधा था कि अगर कोई ये सोचता है कि अगर अपने घर के पीछे सांप पालने से वो केवल पड़ोसी को काटेगा तो वो गलत है, आपका पाला हुआ सांप आपको भी काट सकता है। देश भर में हुआ बिलावल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो के खिलाफ देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बिलावल भुट्टो का पुतला जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर माफी मांगने की बात कही। भारत के पास 160 परमाणु हथियार। दुनिया के सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जो आज परमाणु संपन्न हैं। इनमें से पाकिस्तान भी एक देश है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि परमाणु संपन्न देशों में भारत का नाम भी शामिल है। भारत के पास 2021 में जो परमाणु हथियार 156 थे, वो 2022 में बढ़कर 160 हो गए हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार 5,977 और अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।